हाँ बोलो हाँ बोलो चल, चलो चलो बेटा ठीक है बहुत खुशी की बात है बस ये अब अभी ऑब्जेक्टिव मतलब तो लाइव आ रहे हैं केमिस्ट्री का भी व्यवस्था कर देंगे बस ये अब फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव अभी दे रहे हैं उसके बाद केमिस्ट्री का करवाएंगे ठीक ठीक चलिए आप लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आज मोबाइल लोग वो टाइम आपका बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे तो हम दस पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा के अंदर ही मान लेते हैं आपको ऑब्जेक्टिव का एंसर सीट आपको हम दे देते हैं एंसर सीट हल्का सा डिस्कस करते हुए आपको हम दे देते हैं उसके बाद जब परीक्षा आपका ऑल पेपर का जब हो जाएगा तब आपका डिटेल्स मान लेते हैं किसी दिन डिस्कस कर देंगे ठीक है चलिए तो, तो आपका समय बर्बाद किए बिना हम लोग टॉपिक पर चलते हैं आज का क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन का एंसर सीट सत्तर में सत्तर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं क्या एंसर सीट अभी आपको हम दे रहे हैं कल जो लाइव क्लास आए थे तो उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको दस दिए थे उस दस में से मान लेते हैं क्या कहते हैं दस क्वेश्चन में से ही आया है उससे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको कल डिस्कस किए थे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है आपको क्रेश कोर्स जो करवाए थे पचपन क्वेश्चन जो क्रेश कोर्स का दिए थे पचपन क्वेश्चन में आपको छोटे क्वेश्चन क्वेश्चन जो पूछा है तो छो वो उसमें है क्वेश्चन बैंक और मॉडल जो क्वेश्चन करवाए थे तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है टोटल क्वेश्चन आपको क्रेश कोर्स में जो करवाए थे उसी से टोटल क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट एक भी उससे बाहर नहीं है ठीक है तो चलिए हम लोग एंसर शीट पर चलते हैं चलिए ऑब्जेक्टिव का एंसर देखिए देखिए पाला क्वेश्चन देखिए क्या है फर्स्ट जो क्वेश्चन है पाला क्वेश्चन क्या है देखिए ऑब्जेक्टिव का विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक विद्युत तीव्रता का हम लोग पढ़े थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है एफ बाय क्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है एफ बाय क्यू तो एफ बल है बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन आवेश का होता है कूलम तो न्यूटन पर कूलम तो न्यूटन पर कूलम देखिए किसमें है बी में है तो विद्युत मात्र क्या होगा न्यूटन पर कूलम यानी ऑप्शन कौन होगा बी होगा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कौन होगा बी होगा ठीक है चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया बी चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखिए खटाखटा क्वेश्चन नंबर दो देखिए क्या कह रहे हैं <coughs> देखिए क्वेश्चन नंबर दो है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व तो बताए थे आपको कि विद्युत किसी भी चालक तार से होकर बहने वाली विद्युत धारा और उसकी क्रोस एरिया के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं पढ़ाए थे आपको धारा घनत्व जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से तो जे बराबर क्या होगा आई बटा क्या ए तो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर क्या होगा बी होगा आपका टाइम बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए ज्यादा फ... टाइम नहीं लेंगे फास्टली आपको हम मान लेते आंसर दे देते हैं देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर दो हो गया दो का आंसर क्या हो गया बी चलिए क्वेश्चन नंबर तीन पर आइए फटाक फटाक देखिए क्वेश्चन नंबर तीन देखिए क्वेश्चन नंबर तीन क्या कर रहा है निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है तो गतिशीलता की परिभाषा बताए थे क्या डिप्ट वेलोसिटी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मोबिलिटी ऑफ मोबिलिटी कहते हैं मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे म्यू से तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है डिप्ट वेलोसिटी और विद्युत क्षेत्र की तिब्रता को electron की तीव्रता को इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कहते हैं तो ये आंसर कौन होगा ए होगा थ्री का आंसर क्या होगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थ्री के बाद फोर वाला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है देखिए है निम्नलिखित में कौन सही है निम्नलिखित में कौन सही है एक वाट वाट शक्ति का मात्रक है तो हम लोग पावर बराबर पढ़े थे पावर बराबर पढ़े थे तो तो जूल में टाइम को सेकंड में तो जूल पर सेकंड या इसी को वाट बोलते हैं तो एक वाट बराबर वन जूल पर सेकंड होगा क्वेश्चन नंबर चार का आंसर कौन होगा ए होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए देखिए बहुत कम टाइम में आपको आंसर दे रहे हैं देखिए चलिए क्योंकि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है आप जुड़े रहिए केमिस्ट्री का भी कुछ मान लेते हैं कंसेप्ट कुछ क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा देंगे चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड बताए थे एक सेंटेंस बताए थे बी, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ उस सेंटेंस से कोट वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा सिक्स आएगा तो क्वेश्चन क्या होगा डी होगा ठीक है फाइव के बाद चलिए सिक्स देखिए सिक्स वाला क्वेश्चन देखिए ये सब आपको मोडल जो पढ़ाए थे उसी से क्वेश्चन है देखिए उससे बाहर क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है एम्पियर घंटा एम्पियर हो गया विद्युत धारा का मात्र घंटा हो गया समय का तो विद्युत धारा गुना समय विद्युत धारा गुना समय क्या होता है आवेश होता है तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक है आवेश का तो क्वेश्चन नंबर सिक्स तो क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर कौन होगा बी होगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर कौन होगा बी होगा चलिए सिक्स का आंसर तो कौन होगा बी होगा ठीक है चलिए सिक्स के बाद क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा देखिए सेवन कह रहा निम्नलिखित में लॉरेंज बल निम्नलिखित में लॉडेंस बल का सूत्र तो लॉरेंज बल का सूत्र देखिए कौन होगा लॉरेंज बल का सूत्र देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर होगा ए लॉरेंज फोर्स बराबर सूत्र पढ़ाए थे आपको ए बराबर क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर कौन होगा ए होगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन का हो गया चलिए <coughs> एट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर जो एट है क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्वेश्चन नंबर एट का आंसर कौन होगा देखिए फोर डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी तो फोर डायोप्टर शक्ति का पावर दिया है पावर का सूत्र पढ़ाए थे P बराबर क्या होता है वन बाय एफ तो पावर दिया है यहां से फोकस दूरी निकाल लीजिएगा तो ये रिजल्ट आएगा कौन जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर कौन होगा ए होगा जीरो पॉइंट टू फाइव मीटर ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर एट का ए हो गया चलिए पंद्रह बीस मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा देखिए एट के बाद नाइन वाला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन में कर रहा है निम्नलिखित में कौन वर्ण विच्छेपण क्षमता के लिए सही है पढ़ाए थे आपको म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस वन प्राला चैप्टर में पढ़ाए थे आपको क्वेश्चन नंबर नौ का ए है टोटल पढ़ा हुआ क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है टोटल क्वेश्चन बैच में आपको पढ़ा चुके हैं चलिए क्वेश्चन नंबर दस देखिए यदि देखिए कांच के लेंस की अपर्तनाक दे दिया है हवा हवा में दे दिया है पानी की अपर्तनाक दिया है फोर बाय थ्री तो कहता है क्या यदि कास के एक लेंस जिसकी थ्री टू है उसकी हवा में फोकस दूरी है अकाता जब उस लेंस को पानी में डाल दिया जाए जिसकी थ्री है तब उसमें काता उसकी फोकस दूरी कितनी होगी वो निकालिए आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे वन बाय एफ बराबर पढ़ाए थे म्यू टू बटा मी वन माइनस वन इन टू वन बटा आर वन माइनस वन बाय आर टू इस फॉर्मूला पर बैठा के निकालिएगा तो आपका रिजल्ट डी आएगा इस फॉर्मूला पर बैठा के जो सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर दस का आंसर क्या होगा डी होगा क्वेश्चन नंबर दस का आंसर कौन होगा डी होगा चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखिए क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखिए आपको प्रिंस वाला चैप्टर में पढ़ाए थे निम्नलिखित में कौन संबंध संबंध प्रकाश की तीव्रता आय और प्रकाश के तरंग धैर्य के, के लिए सही है तो क्वेश्चन नंबर ग्यारह का आंसर बताए थे पढ़े थे हम लोग कौन डी होगा क्वेश्चन नंबर गाड़ा का आंसर कौन होगा डी होगा ठीक है चलिए गाड़ा का हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर बारह देखिए बारह देखिए बारह वाला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश देखिए कितना खतरनाक ऑप्शन दिया हुआ देखिए जनरल जनरल आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन कूलम लेकिन वो लगभग मान है एकट मान होता है वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन होता है ए मान यही होता है उसी का लगभग मान हम लोग लिखते हैं 1.6 10 टू द माइनस -19 कूलम तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही ऑप्शन है कौन होगा डी होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन होगा डी होगा चलिए चलिए आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर तेरह तेरह का कहता है कि निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्ज फलन होगा निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्ज फलन होगा इसका आंसर होगा 2.75 पॉइंट सेवन फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनसीआरटी में आपको दिया हुआ है ठीक है 2.2.75 पॉइंट टू पॉइंट सेवन फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट तेरह का आंसर कौन होगा निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है तो सोडियम का कार्य फलन कितना होगा टू पॉइंट सेवन फाइव इलेक्ट्रॉन वॉल्ट तेरा का आंसर सी <coughs> होगा ठीक है चलिए <coughs> चलिए तेरह के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौदह देखिए चौदह चौदह वाला क्वेश्चन है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस एंसर से निकालेंगे माइनस जेड हम लोग पढ़े थे ए बराबर होता है जेड प्लस एन यहां से जेड एन निकालिएगा तो एन बराबर होगा ए माइनस जेड तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा ए माइनस जेड क्वेश्चन नंबर चौदह का आंसर कौन होगा बी होगा ठीक है चलिए चौदह के बाद पंद्रह वाला क्वेश्चन देखिए पंद्रह वाला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर b का मान कितना होता है पृथ्वी के पृष्ठ पर b का मान कितना होता है तो टू दी पावर माइनस फाइव टेस्ला होगा टू दी पावर माइनस टेस्ला पढ़े थे हम लोग एक गॉस बराबर टेन टू दी पावर माइनस फोर टेस्ला होता है एक गॉस बराबर टेन टू दी पावर माइनस फोर टेस्ला होता है उसी के आसपास है क्या टेन टू दी पावर माइनस फाइव टेस्ला तो पंद्रह का आंसर कौन होगा डी क्वेश्चन नंबर पंद्रह का आंसर कौन होगा डी होगा चलिए सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर सोलह जो भी बच्चे क्वेश्चन बैंक मॉडल पढ़े होंगे उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बुकिया आघूर्ण धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकिया आघूर्ण का सूत्र हम लोग पढ़े थे एम बराबर एन आई ए सोलह का आंसर कौन होगा सी होगा क्वेश्चन नंबर सोलह का आंसर सी होगा चलिए क्वेश्चन नंबर सत्रह किसी को कंफ्यूजन होगा तो मोबाइल से कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा चलिए क्वेश्चन नंबर सत्रह निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है तो गैल्वेनोमीटर नियतांक का मान कितना होता है सी बटा एन ए बी तो सत्रह का आंसर कौन होगा ए होगा सत्रह का आंसर कौन होगा ए होगा <ख़ाँ> चलिए सत्रह के बाद देखिए अठारह वाला क्वेश्चन देखिए अठारह वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे आपको आदर्श <ख़ाँ> आदर्श एमीटर का प्रतिरोध सुन होता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध सुन होता है ठीक है और अगर वोल्टामीटर पूछता तो वोल्टामीटर का प्रतिरोध आदर्श वोल्टामीटर का प्रतिरोध अनंत होता है लेकिन आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है तो इसलिए अनंत नहीं होगा अगर आदर्श वोल्टामीटर रहता तो आंसर ए देते आदर्श एमीटर तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है शून्य होता है ठीक है <coughs> चलिए तो 18 का आंसर कौन हो गया बी चलिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक पराये थे आपको चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा वेबर तो क्वेश्चन नंबर उन्नीस का आंसर कौन होगा ए होगा चलिए क्वेश्चन नंबर बीस बीस देखिए लेंस का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का का परिणाम है तो लेंस का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा होगा ठीक है चलिए बहुत कम समय लेंगे आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे <coughs> देखिए बहुत कम समय में आपको आंसर शीट दे देते हैं जो बच्चे को आंसर शीट मिलाना है मिला लीजिएगा चलिए प्रेरण प्रतिघात प्रेरण प्रतिघात की प्रतिरोध क्या होता है एक्सएल एक्सएल बराबर हम लोग पढ़े थे ओमेगा इंटू एल, एल ओमेगा ओमेगा बराबर होता है टू पाई गुना फ्रीक्वेंसी तो टू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल किसमें है ए में ठीक है चलिए <coughs> तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर इक्कीस का आंसर कौन होगा ए होगा क्वेश्चन नंबर इक्कीस का आंसर कौन होगा ए होगा ठीक है चलिए बाईस का क्वेश्चन देखिए बाईस वाला क्वेश्चन देखिए कई बार हम लोग रिपीट किए थे पढ़े थे कि निर्बाध का कितना होता है एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस ट्वेल्व फ्राइडे पर मीटर होता है तो बाइस का आंसर कौन होगा ए होगा बाईस का आंसर कौन होगा ए होगा ठीक है <स्थिण> चलिए बाईस के बाद देखिए चलिए तेईस वाला क्वेश्चन देखिए विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक पढ़ाई थे विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक पी बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर पड़े थे टू एल गुना क्यू यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए थोड़ा सा यहाँ मिस किया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसा है मात्रक क्या होगा कूलम मीटर तो कूलम मीटर किसमें है बी में तो तेईस का आंसर कौन होगा बी होगा ठीक है चलिए तेईस का आंसर कौन होगा बी होगा चलिए कूलम चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 24 24 में क्या है कूलम नियम का सदीष रूप क्या होगा कूलम नियम का सदीष रूप कूलम नियम का सदीष रूप कौनोगा वेक्टर बेक, एब बराबर 1 by 4 पाइप सिलेंडर 0 इनटू क्वान गुना क्यू 2 बाय आर स्क्वायर और बल की जो दिशा होती है वो डिस्टेंस के दिशा के अलोंग ही होती है तो 24 का आंसर कौन होगा सी होगा 24 का आंसर कौन होगा सी होगा <coughs> चलिए पच्चीस देखिए किसी चालक की धारिता किसी चालक की धारिता तो किसी चालक की धारिता हम लोग पढ़े थे Q बराबर पढ़े थे C इंटू भी तो यहाँ से जो C निकालिएगा तो C बराबर क्या होगा Q बटा भी तो देखिए Q बटा भी किसमें है D में तो पच्चीस का आंसर कौन होगा D होगा ठीक है चलिए पच्चीस का आंसर कौन होगा D चलिए छब्बीस आवेशित चालक की ऊर्जा आवेश चालक की ऊर्जा हम लोग पढ़े थे हाफ सी भी स्क्वायर यू बराबर पढ़ाए थे आपको हाफ सी भी हाफ सी भी स्क्वायर किसमें है बी में तो छब्बीस का आंसर कौन होगा बी होगा ठीक है चलिए छब्बीस के बाद सत्ताईस देखिए यदि समान धारिता सीवन के एन संधारित समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल धारिता बताइए तो हम लोग पैनल में पढ़ाए थे आपको सीपी बराबर पढ़ाए थे एन गुना सी। तो सी के जगह यहाँ सी वन दिया हुआ है तो सी के जगह यहाँ सी वन दिया हुआ है तो कौन आंसर होगा सी बराबर सी पी बराबर एन गुना सी वन होगा तो जो आंसर किसमें है सी में तो सत्ताईस का आंसर कौन होगा सी होगा सत्ताईस का आंसर कौन होगा सी होगा थोड़ा देखने में आपको दिक्कत होता होगा क्योंकि क्या हुआ है 28 में के लिए प्राविधुत सामर्थ वायु के लिए प्राविधुत सामर्थ का मान बताए थे आपको हवा में प्राविधुत शक्ति का मान कितना होता है थ्री इंटू टेन टू दावर सिक्स पर मीटर कई बार आपको पढ़ाए थे चलिए 28 का कौन होगा ए होगा वायु के लिए प्राविद्युत सामर्थ्य होता है कितनी थ्री इंटू टेन टू 6 सिक्स पर मीटर ठीक है चलिए उन्तीस वाला देखिए निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है इसमें से कौन प्रकाशीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है अवरक्त किरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग है ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो उन्तीस का आंसर कौन होगा निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो उन्तीस का आंसर कौन होगा सी होगा ठीक है चलिए समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे ज्यादा चलिए तीस में देखिए तीस क्या है पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कौन होता है पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए चलिए तो पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कौन का मान होता है चौबीस दशमलव चार एक डिग्री ठीक है तो तीस का आंसर कौन होगा डी होगा ठीक है चलिए बाद देखिए फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है तो बताए थे फोटोन की ऊर्जा जो होती है एच है तो निकतीस का क्या होगा ए होगा चलिए दस पंद्रह मिनट और लगेगा ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे डिटेल्स किसी दूसरे दिन आपको बताएंगे डिटेल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दूसरे दिन आज आपका केमिस्ट्रिक परीक्षा है ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे ध्यान दीजिए दस पंद्रह मिनट और लगेगा देखिए चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता का रिलेशन क्या होगा म्यू नोट बी नोट बटा म्यू नोट तो बत्तीस का कौन होगा ए होगा क्वेश्चन नंबर बत्तीस का आंसर ए होगा तैतीस देखिए निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफर फॉर्मर के लिए सही है तो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है सेकेंडरी में क्वाइलों की संख्या जो होती है प्राइमरी से ज्यादा होता है तो तैतीस का आंसर कौन होगा बी होगा क्वेश्चन नंबर तैतीस का आंसर कौन होगा बी चलिए चौतीस वाला देखिए चौतीस में क्या है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात का मान दिष्ट धारा की फ्रिक्वेंसी जीरो होता है इसलिए दिष्ट धारा में जो प्रेरण प्रतिघात जो निकालेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा चलिए तो चौतीस का आंसर कौन होगा ए होगा चलिए चलिए पैंतीस वाला क्वेश्चन देखिए पैंतीस वाला क्वेश्चन जो है पूछा है ये डबल बार रिपीट कर दिया है ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया है पीछे भी ये क्वेश्चन है धारावाही कुंडली का विद्युत शुभू के कितना होता है एन आई ए ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट किया गया है ये ये क्वेश्चन दो बार पूछ दिया है बिहार बोर्ड जो है एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा है दो क्वेश्चन रिपीटेड है इस बार दो क्वेश्चन रिपीटेड है तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये पैतीस का हो गया चलिए छत्तीस देखिए क्वेश्चन नंबर छत्तीस क्या कहता है देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माद शक्ति का व्यंजक क्या होता है पावर बराबर पढ़ाए थे एवरेज पावर बराबर होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव तो 36 का आंसर कौन होगा डी होगा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कौन होगा डी होगा चलिए हर आंसर आपको हम भेज देंगे बस आज आप संतुष्टि के लिए देख लीजिए शक्ति गुणांक बराबर प्राय थे इस बीच में भी मान लेते हैं कंसेप्ट दिए थे शक्ति गुणांक बराबर होता है आर बाय जेड इस बीच में भी आपको कंसेप्ट दिए थे शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है आर बाय जेड एलआर आर परिपथ की कलांतर इसी बीच में आपको डिस्कस कर दिए थे आ, क्लास में भी डिस्कस हुआ था एलआर आर परिपथ का कलांतर होता है टेन फाइव बराबर एक्स एल बटा आर तो देखिए ये होगा टेन इन वर्स ओमेगा एल बटा आर अड़तीस का कौन होगा सी होगा क्वेश्चन नंबर अड़तीस का कौन सी होगा चलिए उनचालीस देखिए ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात ट्रांसफॉर्मर में परिनमन जो अनुपात है ये आपको कंसेप्ट दिए थे ट्रांसफार्मर की जो परिणमन अनुपात है ट्रांसफार्मर की परिणमन अनुपात पर आए थे बटा एन तो भी एस बाय बीपी होगा 39 का ए होगा 39 का आंसर कौन होगा ए भी एस बाय बीपी चलिए 40 देखिए आर का बीमीय सूत्र तो आर का बीमीय सूत्र आर इन का बीमीय सूत्र जो होगी वो टाइम के बीमीय सूत्र के बराबर होता है लेकिन आर इन है तो आर इंटू सी है तो आर बराबर हो गया भी बटा आई सी यहाँ कैपेसिटी है।, है।, है सी बराबर होता है बराबर होता है C भी तो भी, भी? भी? तो भी, भी देखिए कट जाएगा और क्यू बराबर हो जाएगा आपको आई टी बटा आई तो आई आई कट जाएगा क्या बचेगा टी यानी टाइम बचेगा तो टाइम देखिए किस में है डी में है तो चालीस का कौन होगा डी होगा चलिए इकतालीस वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था दुर्बीय प्रबलता का ऐसा मात्र क्या होता है? एम्पियर मीटर दूर्बीय प्रबलता का ऐसा मात्र क्या होता है? एम्पियर मीटर ये चलिए जो भी क्वेश्चन पूछा है टोटल आप क्लास में आपको बता चुके हैं एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटा होगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुम्बकीय विच्छेपण में किया गया कार्य ये हम लोग पढ़े थे मैग्नेट वाला में एम बी मैगनेट चैप्टर पढ़े थे एम बी इंटू वन माइनस कॉश थीटा तो बयालीस का आंसर कौन होगा सी होगा बयालीस का आंसर सी होगा सरल दर्शी के आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्म दर्शी के आवर्धन क्षमता पर आए थे वन प्लस डी बटा एफ तो तैतालीस का आंसर होगा कौन चलिए तैतालीस का आंसर बी होगा चलिए चौवालीस के देखिए जब दो लेंस सटा हुआ हो तब तो उसकी शक्ति होता है P बराबर बराबर वन प्लस पी टू पी बराबर होगा ए, ए मात्र देखिए पांच मिनट और टाइम लगेगा तुरंत हो जाएगा देखिए पांच मिनट में आपका हो जाएगा टाइम देखिए पैतालीस वाला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर पैतालीस कहता है कि यदि म्यूजी बराबर थ्री बाय टू और म्यू डब्ल्यू बराबर तो म्यू जी का मान तो लिख सकते हैं कि म्यू जी म्यू तो म्यू जी का आपको दिया हुआ है म्यू डब्ल्यू का मान दिया हुआ है सब मान यहाँ बैठा दीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो नाइन बाय एट आएगा तो पैंतालीस का आंसर सी आएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव का आंसर सी होगा कांच के लिए क्रांति कौन बयालीस डिग्री होता होतालीस पॉइंट समथिंग होता है तो लगभग बयालीस डिग्री होता है तो कांच के लिए क्रांति कौन का मान बयालीस डिग्री होता है ठीक है तो फोर्टी सिक्स का आंसर कौन होगा डी होगा चलिए सैतालीस क्वेश्चन देखिए विद्युत तरंग की प्रकृति विद्युत चुम्बके तरंग की जितने भी है सब क्या है अनुप्रस्त तरंग है कुछ बच्चा मान लेते हैं दोनों में टिक मार दिया है गलत किया है ठीक है तो सैतालीस का आंसर कौन होगा ए होगा ठीक है चलिए 48 देखिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताए थे प्रिज्म फॉर्मूला यानी सी 48 का सी होगा प्रिज्म प्रिज्म की आपवर्तनांक का सूत्र पढ़ाए थे साइन ए प्लस डेल्टा म बाई टू बटा साइन ए बाई टू 48 तो का कौन होगा सी होगा ठीक है चलिए पांच मिनट में हो जाएगा चलिए 49 देखिए प्रकाश पथ के बराबर प्रकाश पथ के बराबर होता है यह क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन बैंक में रिपीट हुआ था अब वर्तमान का लिए कौन सही है तो पढ़ाए थे अक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है निरीक्षण स्थिति की तीव्रता के दुगुना होता है तो पचास का आंसर बी होगा ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था चलिए पचास के बाद इक्यावन देखिए एक समान चुंबक के क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल काल का व्यंजक ये भी बैच में कई बार रिपीट हुआ है तो इक्यावन का आंसर बी होगा यानी टी बराबर टू पाई रूट अंडर वन बटा एम बी एच चलिए इक्यावन के बाद बावन देखिए निम्नलिखित में कौन कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के और चुंबकीय के के सुई के लिए सही है तो आपको पढ़ाए थे क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है एन स्क्वायर डायरेक्टली बी एच तो बावन का आंसर ए होगा बावन का आंसर कौन होगा ए होगा चलिए चलिए तिरपन देखिए निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है तो हम लोग पढ़े थे b बराबर बी एच इंटू टेन थीटा तो तिरपन का क्या होगा a होगा क्वेश्चन नंबर तिरपन का कौन होगा a होगा चलिए चौबन देखिए अपेक्षित चुंबकीय शा बराबर होता है अपेक्षित चुंबकीय शिलता बराबर होता है म्यू बराबर म्यू नोट इंटू म्यू आर ए होगा चौबन का ए होगा क्वेश्चन नंबर चौबन का ए होगा ठीक है चलिए चौवन के बाद पचपन देखिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है बी स्क्तर प्लस बी स्क्वायर वीनि परिणामी का स्क्वायर प्लस वर्टिकल तीव्रता का स्क्वायर का रूट तो पचपन का कौन होगा आंसर ए होगा क्वेश्चन नंबर पचपन का आंसर कौन होगा ए होगा चलिए पांच मिनट और लगेगा देखिए पचपन के बाद देखिए सत्तर गो है देखिए तुरंत हो जाएगा निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुम्बुक तरंग के लिए चाल का सूत्र है ये होगा कौन C बराबर वन बाय म्यू नोट एफ नोट इन रूट ठीक है तो छप्पन का आंसर B होगा चलिए पांच मिनट में हो जाएगा छप्पन के बाद चलिए निम्नलिखित में कौन संबंध दरमान और ऊर्जा के लिए सही है परे थे हम लोग आइंस्टीन का नियम एम e सी स्क्वायर तो सत्तावन का सी होगा क्वेश्चन नंबर सत्तावन का कौन होगा सी होगा चलिए सत्तावन का आंसर कौन सी हो गया चलिए आठ का बाइंडी नंबर पढ़ाए थे वन ट्रिपल जीरो वन बताए थे बाइंड्री नंबर कैसे निकालते हैं तो तो बाइंड्री आठ में भाग दे देंगे किससे दो से तो दो चौका आठ शेष जीरो फिर दो दूनी मान हैं दो दूनी चार शेष जीरो फिर दू का दो शेष जीरो तो वन ट्रिपल जीरो तो वन ट्रिपल जीरो किसमें है ए में तो अठावन के आंसर कौन होगा ए होगा ठीक है चलिए तुरत हो जाएगा नैंड गेट का संकेत नैंड गेट का संकेत कल कल भी आपको बताए थे कौन होगा इस रूप में बताए थे यह जीरो लगा देंगे ऐसे कर देंगे ये कौन होगा डी 59 का आंसर कौन होगा डी कल रात भी आपको बताए थे 59 बाला आर्द आयुक आर्द आयु का रिलेशन प्राय थे हाफ लाइफ बराबर 0.693 बटा लेम्ड ये किसमें है सिक्सटी का आंसर ए होगा साठ दस सत्तर दस गो और है देखिए पांच मिनट में हो जाएगा मात्र दस को क्वेश्चन बचा हुआ देखिए साठ के बाद देखिए एकसठ निम्नलिखित में कौन एल्फा कण के लिए सही है तो कण पढ़ाए थे एल्फा कण जो है हीलियम की न्यूक्लियस के इकोवाइलेंट होता है ठीक है चलिए एक्सठ हो गया मात्र अब नौ क्वेश्चन और बचा हुआ देखिए तुरंत हो जाएगा देखिए निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है प्राय थे कि यूरियम से, यूरेनियम से जब एक कण निकलती है तो वह थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है कण हीलियम के न्यूक्लियस के सदृश होता है तो बी होगा बासठ का बी होगा क्वेश्चन नंबर बासठ का बी होगी तिरसठ देखिए फास्ट करते हैं चूंकि आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे निम्नलिखित में कौन बीओ सावर्थ लाप्लास के सदी समीकरण के इको है ठीक है चलिए इसको फॉर्मूला पर जो ब्रेक कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा आपका कौन ए होगा 63 का आंसर होगा आपका ए 63 सिक्सटी थ्री का एक बार देख लीजिए अभी जस्ट इसको बनवा दिए थे चलिए ठीक है तो सिक्सटी थ्री का आंसर कौन होगा ए होगा ठीक है चलिए ठीक है 63 के बाद देखिए 64 किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखिए E बराबर अभी इसी का एक पीछे पड़े थे मात्रक आ जस्ट यहाँ सूत्र देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन डाल दिया है एक ही क्वेश्चन को कई जगह रिपीट किया है आवेश का पृष्ठ घन बराबर पढ़ाए थे सिग्मा बराबर चार्ज बटा सरफेस एरिया चार्ज बटा सरफेस एरिया तो 56 का आंसर कौन? सिक्स सिग्मा बराबर क्यों आए? ए मात्र 500 ऑब्जेक्टिव और बच गया देखिए 56 के बाद देखिए 66 गोलियां संधारित की धारिता हम लोग पढ़े थे गोलियां संधारित की धारिता का सूत्र पूछ रहा है तो 66 का आंसर ए होगा 66 का आंसर ए होगा गोलियां संधारित की धारिता का सूत्र चलिए उसके बाद देखिए वन म्यू टू का डिटेल कहता लिखने के लिए वन म्यू टू को डिटेल लिखेंगे तो म्यू टू बटा म्यू वन होगा आंसर ए होगा सिक्सटी सेवन का आंसर ए होगा चलिए वन म्यू टू बराबर क्या होगा म्यू टू बाय वन ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है इसी का डिटेल लिखना है 68 में रेटिना पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब होता है रेटिना पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब जो होती है वास्तविक होता है और उल्टा होता है वास्तविक और उल्टा होता है ठीक है चलिए 69 देखिए खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता तो खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होता है माइनस एफ ओ बाय हम लोग पढ़े थे खगोलीय दूरबीन में लास्ट क्वेश्चन देखिए सत्तर वाला क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में कौन इन धनुष के निर्माण का कारण होता है तो वर्ण विक्षेपण के कारण इन धनुष का निर्माण होती है तो सत्तर का कौन होगा सी होगा सत्तर का क्या होगा सी होगा ठीक है तो देखिए सत्तर में सत्तर क्वेश्चन देखिए आपका हो गया है? ठीक है चलिए कल सत्तर में सत्तर क्वेश्चन आपका हो गया है? कोई दिक्कत बोलिए क्वेश्चन नंबर सत्तर में सत्तर क्वेश्चन देखिए कल जो आपको बताए थे कि गॉस थ्योरम देख लीजिए कल आपको बताए थे कि गॉस का प्रमेय और उसका प्रूफ और उसका एप्लीकेशन देख लीजिए तो देखिए सेम क्वेश्चन जो कल आपको बताए थे वही गॉस का प्रमेय पूछा नहीं चले देखिए कल आपको बताए थे गॉस का प्रमेय देख लीजिएगा ठीक है तो देखिए क्वेश्चन पूछ दिया है देखिए उसके बाद आपको बताए थे ट्रांसफार्मर देख लीजिएगा तो देखिए ट्रांसफॉर्मर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया है चलिए उसके बाद आपको बोले थे अः फ्रीन चौड़ाई बोले थे आपको देख लेने के लिए तो देखिए फ्रीन चौड़ाई आपको पूछ दिया है उसके बाद उसके बाद बताए थे आपको दो लेंस जब सटा हुआ हो या हटा हुआ हो तब उसकी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए वन बाई एफ बराबर जब दो लेंस सटा हुआ होगा तो डी का मान यहाँ जीरो लेंगे तो डी की जगह जीरो मान रख करके मान लेते हैं आसानी से मलत मान, मान निकाल लेंगे ठीक है तो ये सारी क्वेश्चन जो कल आपको डिस्कस किए थे वही सब क्वेश्चन देखिए पूछा है ठीक है मॉडल जो आपको पढ़ाए थे देखिए मॉडल क्वेश्चन जो आपको पढ़ाए थे उसमें से टोटल क्वेश्चन आपको मॉडल का ही है देखिए लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट जितने भी है ये लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको करवाए थे मतलब लेते हैं क्लास में जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन करवाए थे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है देखिए एक भी क्वेश्चन आप बाहर नहीं है आपके सामने देखिए आपके सामने में प्रूफ दे रहे हैं देखिए सत्तर पचपन को क्वेश्चन आपको मान लेते हैं क्रेस कोर्स में करवाए थे पचपन क्वेश्चन में से ही मल लेते हैं क्वेश्चन है उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है ठीक है चलिए देखिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान दीजिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर पचपन जो क्वेश्चन दिए थे आपको जिस पचपन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो है ये जूल का जो नियम है ये क्वेश्चन आपसे पूछा है इस बार ठीक तो है है तो क्वेश्चन 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 दिए थे जिस में नंबर जो एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है उसके बाद देखिए उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन और देखिए कौन पूछा है हाँ उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको मान लेता है उन्नीस नंबर का आपको जो मोड़ दिए थे बुकलेट जो दिए थे उस बुकलेट में जो पचपन क्वेश्चन दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर उन्नीस देखिए स्थिति में किसी चुंबक के कारण, के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिए व्यंजक प्राप्त करें क्वेश्चन देखिए आपको कोर्स में जो पचपन क्वेश्चन दिए थे उसी पचपन क्वेश्चन में से है देखिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस है इससे क्वेश्चन नंबर उससे एक क्वेश्चन ऊपर था ठीक है तो दो क्वेश्चन देखिए उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर देखिए क्वेश्चन नंबर बाईस क्वेश्चन नंबर 22 पचपन जो क्वेश्चन दिए थे उसी क्वेश्चन में देखिए ट्रांसफार्मर वाला भी है क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर देखिए तीन को क्वेश्चन देखिए आ गया छह में से छबो क्वेश्चन है देखिए तीन क्वेश्चन आपको आ गया है चलिए उसके बाद दो लेंस जब सटा हुआ हो तब मलेते हैं उसकी फोकस दूरी का व्यंजक बताइए निकालने के लिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 28 जो है ये भी आपको पूछा हुआ लॉन्ग क्वेश्चन इस बार पचपन क्वेश्चन में छो क्वेश्चन में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्वेश्चन नंबर छत्तीस ठीक है चलिए पचपन जो क्वेश्चन करवाए हैं उसी क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा है उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है ठीक है उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन सब जो करवाए थे वो सारी टोटल क्वेश्चन लेते हैं जो मॉडल में करवाए उससे एक भी बाहर नहीं है ज्यादा चूंकि टाइम आपका नहीं लेंगे आज का टाइम आपका बहुत बहुमूल्य है केमिस्ट्री है आपका ठीक है तो केमिस्ट्री में किन्हीं को दिक्कत है बोलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन अगर मोबाइल आप लेके चले जाइएगा अगर अंदर में छूट चल रही है तो बोलिए तो आंसर सीट आपको हम दे देंगे को दिक्कत बोलिए केमिस्ट्री में किन्हीं को दिक्कत है केमिस्ट्री में का दिक्कत होगा तो हमको फोन से बात कीजिएगा ठीक है या मेरे टेलीग्राम पर बात कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा केमिस्ट्री में किन्ही को दिक्कत चलिए ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे एक बार फ्रेश डिस्कस आपको हम फाइनली मान लेते हैं दूसरे दिन कर देंगे जब परीक्षा आपकी टोटल पेपर का समाप्त हो जाएगा तब ठीक है आज हम आपको फास्टली थोड़ा सा दे दिए कि अगर कोई क्वेश्चन मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं चलिए कोई दिक्कत केमिस्ट्री में आपको किन्हीं को दिक्कत केमिस्ट्री में किन्हीं बच्चों को दिक्कत है ना है दिक्कत है तो बोलिए केमिस्ट्री में किन्हीं को दिक्कत बोलिए आपको केमिस्ट्री का सजेशन आपको किन्हीं को चाहिए चलिए ठीक है ठीक है तो हम व्यवस्था करेंगे ठीक है चलिए